हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका साथी अपने यूट्यूब चैनल अमित मैथिर पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है दिसंबर तक 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति धांधली करेगा उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्रवाई होगी, सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। योगी ने कहा कि दिसंबर तक 50,000 और पुलिस कर्मियों भर्ती की जाएगी। इसकी प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। इस भर्ती की 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। गोरखपुर, बदायूं और लखनऊ में PSC के नई महिला बटालियन भी बेटियों को नियुक्ति प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सोमवार को टेराकोटा पॉटरी एवं खाद्य प्रसंस्करण विषयक एक जनपद एक उत्पाद समिट में कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमारा दृष्टिकोण इसे छोटा या बड़ा बनाता है। CM ने कहा पुलिस विभाग 1.5 लाख युवाओं को सॉरी 1.30 लाख युवाओं को नौकरी देनी थी, जिसमें 41,520 और 49,568 हो चुकी हैं। 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है। 50,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती भी हो जाएगी। बाकी की खाली पदें भी कुछ महीनों के अंदर भर दी जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।